स्वागत है सबका हमारे चैनल सादा माटा द सिंपल रेसिपी विथ देसी तड़का में। हमारी आज की ये रेसिपी प्रेजेंट करने वाली है मीरा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मनपसंद, सबके मनपसंद रेसिपी, आलू मटर पनीर की रेसिपी। तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज पाने के लिए आपको करना है रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना है ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे मैंने आलू कुछ इस तरह से कट करके रखे हुए हैं। साथ में मटर ले लेते हैं, मटर मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ है। पनीर ले लेंगे, पनीर को इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। प्याज यानी कि ऑनियन ले लेते हैं जिसको बारीक कूट के रखा है। अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे घिस के रखी हूँ। थोड़ा सा हम गार्लिक यानी कि लहसुन का भी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम ले लेंगे टमाटर जिसको बारीक कूट के रखा गया है। ग्रीन चिलीज जितना तीखा खाना पसंद करे, बीच से मैंने ग्रीन चिलीज को स्लिप करके रखा है। साथ ही थोड़ा सा हम शुगर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ऑयल हम ले लेंगे थोड़ा सा। स्वाद अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे नमक का। इसी के साथ ड्राई मसाले, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, साथ ही में क्यूमिन सीड्स के दाने, यहाँ पे मैंने क्यूमिन पाउडर ले लिया है, हल्दी पाउडर ले लेंगे हम थोड़ा सा, और इसी के साथ गरम मसाला हम ले लेंगे। किसी भी ब्रांड का गरम मसाला ले सकते हैं या तो फिर खुद भी कूट के बना सकते हैं हम। ब्लैक पेपर हम थोड़ा सा ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुकर को रेडी किया है दोस्तों, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ आलू, और इसी के साथ हम दे देंगे भिगोए हुए मटर। मटर को दोस्तों ओवरनाइट ज़रूर भिगो के रखिएगा, वरना मटर अच्छी तरह से बॉयल होना नहीं चाहेंगे। यहाँ पे मैंने पानी दे दिया है। अब कुकर का लिड मैं बंद कर देती हूँ अच्छी तरह से, और इसको अच्छी तरह से हम सीटी लगा लेंगे। लगभग यहाँ पे मैंने 3 सीटी लगाई है। तो 3 सीटी लगाने के बाद देख लेते हैं हम मटर अच्छी तरह से बॉयल हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ हो तो फिर से बंद करके आप उसे और 2 बार सीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हाथों की मदद से देख लेते हैं, देखिए अच्छी तरह से मटर पिघल जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कढ़ाई ले लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। कढ़ाई में हम ऑयल दे देते हैं, कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे, इसके बाद ऑयल देंगे। अब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम दे देते हैं पनीर। पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत लोग पनीर को फ्राई करना नहीं चाहते हैं, पनीर स्टिफ हो जाता है कहते हैं इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं छोटी सी ट्रिक देती हूँ, पनीर को फ्राई करने के बाद इसे गर्म पानी में रख दीजिए तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी के साथ पनीर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। देखिए पनीर का कलर चेंज हो चुका है, तब इसको हम अलग बर्तन में निकाल के रख देते हैं। उसी ऑयल में मैं क्यूमिन सीड्स के दाने दे देती हूँ यानी कि ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल होना चाहिए। इसके बाद ही हम दे देंगे ऑनियन यानी कि प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसी के साथ हम दे देते हैं गार्लिक यानी कि लहसुन, और लहसुन को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और अब प्याज के साथ मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हम दे देंगे जिंजर, और एक ही साथ में हम दे देते हैं ग्रीन चिलीज जिसको मैंने स्लिट करके रखे हुए हैं। दोस्तों स्वाद अनुसार ग्रीन चिलीज दीजिए। यहाँ पे टर्मरिक पाउडर दे दिया मैंने। नेक्स्ट हम दे देंगे कोरिएंडर पाउडर। इसके बाद हम दे देते हैं क्यूमिन पाउडर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेड चिली पाउडर। अब सारे मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से हमें फ्राई कर देना है ताकि मसालों का जो कच्चा स्वाद है वो अच्छी तरह से निकल जाए और प्याज भी अच्छी तरह से पक जाए। तो
तो देख सकते हैं प्याज का कलर टोटली चेंज हो चुका है। इस वक्त हमें टमाटर दे देना है और टमाटर को मॉइस्ट होने तक पकाना है। टमाटर में अच्छा मॉइस्ट आ चुका है दोस्तों, तो इस वक्त हम बॉयल किए हुए आलू और मटर कुकर से निकाल के कढ़ाई में दे देंगे। अब अच्छी तरह से मसालों के साथ इसे मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हमें फ्राई भी करना है, तो चलाते हुए मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। अब दोस्तों इसमें दे देंगे शुगर यानी कि चीनी, बस थोड़ा सा ही चीनी देना है। अब इसके बाद हम दे देंगे पानी, पानी इतना दीजिए ताकि अच्छी तरह से सब्जियाँ इसमें डिप हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद हम इसमें दे देंगे गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला दे दीजिए और गरम मसाला को भी मिक्स कर देती हूँ मैं। और साथ ही साथ हम दे देंगे पनीर जो फ्राई करके रखे हुए थे, आप चाहे तो पनीर को फ्राई ना करते हुए रॉ पनीर भी दे सकते हैं इसी वक्त। तो इसमें अच्छा सा उबाल आने दिया मैंने और अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पानी रहते हुए ही हमें इसे ऑफ कर देना है गैस का फ्लेम, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद थिक हो जाएगा। तो हो चुका है दोस्तों, गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और प्लेटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी लजीज रख रही है। और दोस्तों ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है। आज की ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जुड़े रहिए हर संडे नई रेसिपी पाने के लिए। हैप्पी कुकिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।